मणियाओं के अंदर जो मणियाओं हैं उसका ऐतिहासिक महत्व वही है जो किसी भी राजतंत्र के अंदर दिल की धड़कन का हो सकता है, क्योंकि 1764 के अंदर जब अवध के तीसरे शासक नवाब शुजाउद्दौला अंग्रेज़ों से बैटल ऑफ बक्सर में हार गए, हारने के बाद उनका राज पूरा का पूरा अंग्रेज़ों ने ले लिया। उसको लेने के बाद में बहुत ही ह्यूमिलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर उनको उनका राज वापस मिला। उसमें एक यश भी शर्त थी कि 50 लाख रुपए भी उन्होंने दिए थे, वो एक अलग कहानी है। उसमें जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक शर्त थी वो ये थी अंग्रेज़ों की कि वो उन्होंने दिखाने के लिए कहा था कि हम आपकी जो सुरक्षा है, सीमाओं की सुरक्षा, वो मेरी जिम्मेदारी है बाहर के आक्रमण से। और इस बहाने उन्होंने कहा कि हम एक फौज को अवध के अंदर रखेंगे, अपनी अंग्रेज अपनी फौज को रखेंगे, लेकिन उसका खर्च पूरा पूरा अवध के नवाबों को, अवध के शासकों को उठाना पड़ेगा। तो ये मणियाओं का जो छावनी है उसकी न्यू उस शर्त के उस जो संधि हुई थी तीसरे नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, उस समय ही पड़ गई थी। वहाँ पर करीब ये 20 साल रहे। 20 साल रहने की वजह से क्या हुआ कि ये अंग्रेज़ों के अभिजात वर्ग जो था एरिस्टोक्रेसी, उससे इनका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हो गया। एज अ रिजल्ट ये उनकी जो लाइफस्टाइल से उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, ये खुद भी अच्छी खासी अंग्रेज़ी बोल लिया करते थे, ये कपड़े भी अंग्रेज़ों जैसे पहनने लग गए थे, और इनकी इनके पूरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंग्रेज़ों की जो लाइफस्टाइल थी उसकी छाप साफ दिखाई देती थी। तो जब ये यहाँ पर आके आसिफुद्दौला वज़ीर अली की डेथ के बाद, 5th नवाब वज़ीर अली था, डेथ नहीं, वज़ीर अली को जब अंग्रेज़ों ने, दीवाना जनरल जॉन शोर थे, उन्होंने धोखे से बुलाया, बेबियापुर कोठी में कैद कर लिया बात करने के लिए, और चुपचाप उस समय बनारस, कलकत्ता से बनारस आ गए, तो बनारस से इनको रातों रात बुलाया, और यहाँ पर बेबियापुर कोठी जो है कैंट के पास में दिलकुशा के, वहाँ पर बुला के गद्दी पर इनको बैठा दिया गया। जब ये गद्दी पर बैठे तो जैसा कि लाजमी है, जो शासक होता है उसकी जो भी लाइफ स्टाइल होता है उसी हिसाब से वो स्थान वहाँ के लोग को भी ढालने की कोशिश करने लगता है। तो इन्होंने चूँकि वहाँ पर कलकत्ता में इन्होंने रेसकोर्स देखा था, तो इन्होंने यहाँ पर मणियाओं में जो कैंट छावनी थी उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा एक रेसकोर्स बनवाया। उस रेसकोर्स के वो किसके लिए था, वो जो अंग्रेज़ मिलिट्री के अधिकारी थे उनके एंटरटेनमेंट के लिए, और जिसके अंदर सायद अली खां खुद जाया करते थे, इनके दरबार के जो बड़े उच्च अधिकारी थे वो भी वहाँ जाया करते थे, और वहाँ पर स्टेबल होता था, स्टड फॉर्म होता था जहाँ पर घोड़े तैयार किए जाते थे। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, ये केवल रेसकोर्स खानापुरी के लिए नहीं बनाया गया था, इस रेसकोर्स को बहुत वेल प्लान ढंग से बनाया गया था। इसीलिए इस उस समय ये नॉर्दर्न इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस कोर्सेस में से एक था, या ये भारतीय स्तर का रेस कोर्स हुआ करता था।